नमस्ते सभी साथियों को। आज हम लोग इस यात्रा के 16वें दिन में हैं और पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने जो मुख्य चर्चा किया कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, और दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा ये किया कि मानव का जो मूल चाहना है वो निरंतर सुख पूर्वक जीना है। ये निरंतर सुख स्वभाव से पूरा होगा या प्रभाव से पूरा होगा, इस पर चर्चा की। तो स्वभाव से निरंतर सुखी होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि प्रभाव से जो सुख है उसकी निरंतरता नहीं, और उसमें हम एक असीमित सुविधा संग्रह के चक्र में भी फंस जा रहे हैं। तो स्वभाव से सुखी होने का क्या आशय है उसको हम लोग पिछले कुछ दिनों से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वभाव से सुखी होने का जो आशय है कि मैं स्वयं को समझ सकूं, इस एंटायर एग्जिस्टेंस को भी समझ सकूं, मेरा इस एंटायर एग्जिस्टेंस में भागीदारी क्या है, मेरे को क्या भागीदारी सहज रूप से स्वीकार है अपने लिए, दूसरे मानवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए के साथ क्या भागीदारी सहज रूप से स्वीकार है, उसको मैं अपने में देख सकूं, समझ सकूं, और वैसा भाव विचार अपने में सुनिश्चित कर सकूं और उस पर आधारित व्यवहार कार्य बाहर कर सकूं। ये पूरी प्रक्रिया को कह रहे हैं स्वभाव से सुखी होने की प्रक्रिया। उसके तहत हम लोगों ने अभी अपने आप को समझने का काम शुरू किया है। तो जब स्वयं को समझने का काम शुरू किया तो ये बात ध्यान में आई कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम सेल्फ और बॉडी दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में, जड़ और चैतन्य के कोएग्जिस्टेंस। जड़ की आवश्यकता है जड़ वस्तुओं से पूरी होगी, चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य वस्तुओं से पूरी होगी। वस्तुओं से अगर हम चैतन्य की आवश्यकता को पूरा करने जाते हैं तो एक तो वो कभी पूरी नहीं होती, और असीमित सुविधा संग्रह के कुचक्र में हम फंसते चले जाते हैं। इसको हम लोगों ने और डिटेल में अध्ययन किया कि अगर ध्यान से मैं देखता हूं तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी है। मैं जीना चाहता हूँ, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ और शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। मैं स्वयं को और इस एंटायर एग्जिस्टेंस को सही सही समझ कर वैसा भाव विचार सुनिश्चित करके सुखी हो सकता हूँ, यही मेरे निरंतर सुखी होने का कंप्लीट कार्यक्रम। शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधा को उत्पादन करना, उसका संरक्षण करना, उसका सदुपयोग करना, ये मेरे कार्यक्रम का एक भाग है, कंप्लीट कार्यक्रम नहीं, तो लगभग मेरे संपूर्ण कार्यक्रम का एक चौथाई भाग या उससे भी कम भाग है। जब हम सुख को स्वभाव के रूप में नहीं पहचान पाते, हम अपने में उसको समझ के सुनिश्चित कर सकते हैं ये नहीं देख पाते, तो कंप्लीट प्रोग्राम की जगह ये सुविधा ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है उसी को अपना कंप्लीट प्रोग्राम मानकर बहुत सारा एफर्ट जिंदगी में करते रहते हैं और उससे बहुत सारा बेचैनी एक्साइटमेंट के फेज से गुजरते रहते हैं। इस बात को और ठीक से समझने के लिए हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, सेंसरी ऑर्गन्स जितनी हैं उनसे मुझे सूचना है तो मिल रही है, लेकिन उसको देख मैं रहा हूँ, मेरा सेल्फ देख रहा, जो भी निर्णय ले रहा हूँ वो भी मैं, मेरा सेल्फ ले रहा है, मेरे शरीर के ऑर्गन्स नहीं ले रहे, मेरा सेल्फ ही निर्णय ले रहा है। और जो भी इस निर्णय को मैं बाहर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, भीतर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फाइनली उसके फल परिणाम को भोग भी मैं ही रहा। तो इस दृष्टि से ये भी बात किया हम लोगों ने कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता। इस पूरे चर्चा के बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि मानव सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन मानव के केंद्र में सेल्फ जीवन है। अगर मानव को ठीक से समझना है तो सेल्फ और बॉडी दोनों को समझना होगा, लेकिन सेल्फ को और विस्तृत ढंग से और रियलाइज और उस पर फोकस करके और डिटेल में उसको अपने भीतर देख देख के उसके वेरियस स्टेप्स को
गहराई से समझना होगा। उसी क्रम में हम लोगों ने दृष्टा, कर्ता और भोक्ता को थोड़ा और कल विस्तारित करके समझने का प्रयास किया था। आज इस सेल्फ के बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। कल उससे संबंधित कुछ अभ्यास आप लोगों के साथ साझा किया गया था, उसको आप लोगों ने किया ही होगा। उस पर जो भी आप लोगों के ऑब्जर्वेशन या प्रश्न है या शेयरिंग है, उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जिनके साथ ही लोगों के हैंड रेज हैं, उनके साथ हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो जो जिनके भी प्रश्न है या ऑब्जर्वेशन है, उनसे बात स्टार्ट करते हैं। भैया, ये कल का असाइनमेंट मैंने 1 घंटे तक किया। तो पहला जो ये था क्वेश्चन था कि अपने आसपास की चीजों को देखते समय आंखों की भूमिका पर ध्यान दे। भैया, मैंने ये आंखें बंद करके असाइनमेंट किया है और इसमें मैंने देखा है कि मेरी कल्पनाशीलता में वो चीजें बैठे वाली है और फिर मैं आंखें बंद करने के बाद भी उसे देख पाता था और उसका रंग रूप ये भी मुझे दिख रहा था और कुछ चीजों को जो मैंने स्मेल किया था तो वो चीजें भी जैसी की वैसे मुझे दिख रही थी। ये मैं मेरा एक संक्षिप्त रूप में कल के असाइनमेंट का स्टेप था। जी भैया। जी, तो और ध्यान देंगे तो ये दिखता है कि जितना आप बता रहे हैं उतना तो आप देख ही पाते हैं, उससे अधिक भी देख पाते हैं। उससे अधिक क्या देख पाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो मुझे आंख बंद करके मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे विचार क्या है उसके लिए, मेरे भाव क्या है उसके लिए, मैं उससे आराम में हूँ, बेचैन हूँ। आगे चलेंगे तो ये सब भी देख पाते हैं। तो जी आंखों से भाई, जितनी सूचना हमको मिली है उसको तो हम एक तरह से देख ही रहे हैं, लेकिन उससे और अधिक भी देख पाते हैं। जी बाकी के भाई, पॉइंट्स भैया, आपके अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो तो शेयर कर सकते हैं। इसमें नीचे 3 पॉइंट और हैं। हाँ, जी भैया, दिन भर की क्रियाओं का भी जो निरीक्षण किया है ना भैया, तो जब मैं शाम को सो रहा था तो वो सब दिख रही थी जैसे कि वैसे, पूरे पूरे दिन क्रम में जो जो है वो ऐसा दिख रहा था। किसी ने क्या बोला, किसी को आंखों से भी नहीं देखा तो पीछे से आवाज आई तो उसको मैं पूरा तरह से पहचान रहा था। ये चीजें भी साफ साफ दिखाई दे रही थी भैया। जी जी भैया। सर, कल की जो असाइनमेंट है, अभी भाई साहब भी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा अपना इनपुट शेयर करना चाहता हूँ आप सभी भाई बहनों के साथ। तो पॉइंट वाइज ही है, लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे वो चल रहा है। पहला पॉइंट था जो उसके जवाब में मैं लिख रहा हूँ, आंखें जो कुछ भी देख पा रही हैं वो एक संवेदना है और उसका सिग्नल माइंड को जाता है परसेप्शन के थ्रू। मेरे को लगता है कि आंखों की संवेदना और मन का इसको डीकोड करना, प्रत्यक्षण जो है, दोनों ही शारीरिक क्रियाएं हैं, ऐसा मेरे को लगता है। आंखें बंद करके अगर हम जानकारी हासिल करना चाहते भी हैं तो वो जानकारी पूर्ण नहीं होगी, अधूरी होगी शायद, मेरा ऐसा मानना। इसी के अंदर दूसरी बात कर रहा हूं, दिन भर की क्रियाओं को करते समय निर्णय हम स्वयं ही लेते हैं, शरीर नहीं लेता है, अपितु शरीर भोगता भी है इसको। और तीसरी बात है, हम भोगता हैं, सुखी दुखी होते हैं, परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे शरीर को चोट पहुंचती है, तो इसका कष्ट तो शरीर और सेल्फ दोनों को ही होता है। यहाँ हम मन और शरीर को किस तरह से अलग-अलग रूप में देख पाएंगे, दोनों के ऊपर ही जब प्रभाव आ रहा है। और जो अंत वाला पार्ट है उसमें ये है कि इसमें शंका नहीं है, मेरे होने में मैं ही केंद्र में हूँ, परंतु इन सारी चीजों को कई बार जब हम इनका विचरण करते हैं, इनका एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो कई बार ये सेल्फ को लेके, शरीर को लेके, जैसे मैंने अपनी बात ऊपर से शुरू करी थी, तो बड़ी दुविधा क्रिएट हो जाती है। तो हम इनको बहुत क्लैरिटी के साथ कई बार नहीं देख पाते, कई बार उलझन जो है वो हो जाती है।
क्या मेरी ये जो परसेप्शन है, मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है या मेरे समझने में ही कुछ कमी है? जी सर। जी, तो इसको धीरे धीरे और ध्यान दे के देखने की कोशिश करेंगे। बिगिनिंग लेवल पे तो कुछ मुद्दों पर हमारा ध्यान गया है, उसको और गहराई से देखेंगे। तो जैसे पहले बिंदु पे अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत कुछ शरीर में हलचल हो रही है, बाहर से सूचनाएं आ रही हैं, हमारे संवेदी अंगों के द्वारा हम उसको पढ़ भी रहे हैं, हमको रिसीव भी हो रही है। तो बहुत सारी उस तरह की चीजें हम अपने में नोटिस कर पाते हैं अगर आप आंख बंद करके बैठे हो तो। लेकिन जब ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ और भी आप अपने भीतर अपने में चलता हुआ पाते हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन से नहीं आ रहे। और ध्यान देते हैं तो दिखता है कि बहुत कुछ शरीर की सूचना से आधारित अपने भीतर अपने में दिखता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी चल रहा होता है जो उससे अधिक भी होता है। लेकिन इसको अभी बहुत हड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग, अभी तो अपने पास पर्याप्त समय है, धीरे धीरे इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। दूसरा, इसको भी और ठीक से जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगेगा कि शरीर में कुछ चोट लगा, उससे शरीर में अव्यवस्था तो हुई, लेकिन उस अव्यवस्था से सुखी दुखी शरीर हो रहा है या सेल्फ हो रहा है, इसको और ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इम्प्रूव मिलेगा। तो जैसे हम बहुत अधिक खाना खा लिए, कुछ हमको चीजें स्वादिष्ट लग रही हैं, खाते चले गए, तो शरीर में एक डिस्टरबेंस तो हुआ, शरीर में एक अव्यवस्था तो हुई, लेकिन हमको और उसका स्वाद अच्छा लगता जाता है तो हम खाते चले जाते हैं। तो ये और खाना है, ये निर्णय शरीर का है या मेरा है, उससे सो सुखी हो रहा है वो मैं हो रहा हूँ या मेरा शरीर हो रहा है ना। इन चीजों को और ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो और गहरे निष्कर्ष बनेंगे कि उससे सुखी तो मैं ही हो रहा हूँ। हाँ, शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ व्यवस्था हो रही, कुछ अव्यवस्था हो रही है, वो एक बात है, लेकिन उससे सुखी या दुखी तो मैं ही हो रहा है। लेकिन इस बात को भी आप मानिए नहीं, एक्सप्लोर करिए और जांचिए, इसमें समय तो लगता ही है ना। और अभी तो बात आप ठीक ही कह रहे हैं कि अभी जब भी हम देखने जाते हैं तो जरूरी नहीं है, मतलब एक तर्क के रूप में, सूचना के रूप में, एक इनिशियल विश्लेषण के रूप में कई बार ये बहुत आसान दिखता है कि केंद्र में मैं हूँ, सेल्फ और बॉडी दोनों हैं, बॉडी इन मानव के रूप में, और केंद्र में सेल्फ है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम शरीर को केंद्र में रखकर जीने के अभ्यस्त हो गए हैं, शरीर को अनुकूल संवेदना मिले, शरीर के जो जो भी आस्वादन को मैंने अच्छा मान रखा है, मानना वो भी मेरे में ही है ना। तो शरीर के बारे जो कुछ भी मैंने मान रखा है उसको केंद्र में रख के जीने लग जाता हूँ, तो एक भ्रम जैसा होता है कई बार कि दुविधा में फंसता हूँ कि केंद्र में शरीर है कि केंद्र में मैं। लेकिन उसको भी देखेंगे तो उन सब चीजों के बारे में भी मानने की जो बात है वो शरीर में है कि मेरे में, वही मानना बदल जाता है तो दूसरे स्वाद का खाना अच्छा लगने लगता है ना, दूसरे तरह के कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो धीरे धीरे ध्यान जाता है, इसको और गहरे से अपने भीतर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ये बात और गहराई से दिखेगी कि शरीर भी है मैं भी हूँ और केंद्र में मैं ही हूँ, क्योंकि देखने का दृष्टा, कर्ता और भोक्ता ये तीनों मैं ही हूँ। शरीर एक साधन है, जैसा मैं शरीर को कंस्ट्रक्ट करता हूँ वैसा शरीर करता है, वैसे फल परिणाम आते हैं, उसको रीड उसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से मैं उसको रीड करता हूँ, फिर सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ। इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे तो आगे और हम लोगों को सफलताएं मिलेंगी। इतनी बात मैं आपके ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में कहना चाहता हूँ बलजीत। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जी, चैट बॉक्स में मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। तो अभी देखेंगे तो अभी तो इस बात का अध्ययन हुआ ही है कि सेल्फ और बॉडी दोनों के को एग्जिस्टेंस है, हम दोनों के को एग्जिस्टेंस है। अब उसको देखने जाते हैं तो मेधस एक इम्पोर्टेंट शरीर का ऑर्गन है, ब्रेन एक इम्पोर्टेंट शरीर का ऑर्गन है, अंग है, उसका भी एक फंक्शन है। जैसे फेफड़ा है उसका एक फंक्शन, किडनी है उसका एक फंक्शन है, काम है उसका शरीर में, किडनी का कुछ काम है प्यूरिफिकेशन का, है ना, फेफड़े का कुछ काम है ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ काम है शरीर में।
उसी तरह से ब्रेन का भी कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि सेल्फ में जो भी निर्णय हुआ, तो जैसे मैंने ये निर्णय किया कि मुझे इस आदमी को तमाचा मारना है, ये तमाचा मारना है, ये निर्णय मेरे सेल्फ में। अब मैं उसको उस निर्णय को इंस्ट्रक्शन के रूप में ब्रेन को पास करता, मेरा सेल्फ ब्रेन को पास कर, ब्रेन उस सिग्नल को, उस सूचना को जो सेल्फ से आई, उसको उसके आधार पर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करता है। तो हाथ के लिए, तो छापड़ मारने के लिए क्या क्या शरीर में मूवमेंट जरूरी है, तो हाथ को है ना एक प्रॉपर एंगल देना जरूरी है, पीछे लेके जाना जरूरी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मूव कराना है। तो बहुत सारे जो शरीर के मसल्स हैं, बहुत सारे जो शरीर हाथ के मसल्स हैं और जो सब ऑर्गन्स हैं हाथ के, उन सबको माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है जिससे कि हमारा हाथ मूव करता है और उस जगह पर जाकर वो एक क्रिया एग्जीक्यूट होती है। तो देखने जाएंगे तो सेल्फ है, बॉडी है, और ब्रेन बॉडी का पार्ट है ना। जो माइंड शब्द को प्रयोग करते हैं, वो हमको ध्यान पूर्वक उस वास्तविकता को देखना पड़ेगा जिस वास्तविकता के लिए हम माइंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार तो माइंड शब्द का प्रयोग, अगर हम माइंड कह रहे हैं तो माइंड शब्द का प्रयोग तो कई बार लोग ब्रेन के लिए ही करते हैं, तब तो शरीर के लिए ही कर रहे हैं। कई बार माइंड भी बोलते हैं उसको है ना, कई बार उसको सेल्फ को, रियलिटी को ध्यान में रख करके फिर माइंड शब्द को बोल रहे होते हैं। तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि जिस समय आप माइंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किस रियलिटी को फोकस कर रहे हैं, वो रियलिटी जो सेल्फ के इंस्ट्रक्शंस को रीड करके माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रही है, या वो रियलिटी जो कि निर्णय ले रही है, भोग रही है, देख रही है। अगर उसके लिए कर रहे हैं तो आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं, अगर खाली माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करने वाली यूनिट के लिए कर रहे हैं तो आप माइंड के लिए कर रहे हैं। तो इसको हम अपने भीतर देख सकते हैं। तरुण कुमार पांडे जी ब्रेन और माइंड के डिफरेंस को फिर से चाह रहे हैं कि उस पर एक बार बात को रखें। तो मैंने इतना ही कहा भैया कि सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस हैं, और जिस तरह से किडनी, फेफड़ा इन सब शरीर के अंगों का फंक्शन है, वैसे ही ब्रेन भी शरीर का अंग है जिसका एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? तो ये फंक्शन है कि सेल्फ जो भी निर्णय लेता है शरीर से उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर रहा है, तो जनरेट करने का काम ब्रेन करता है। जिसका उदाहरण मैंने दिया कि किसी को तमाचा मारना है, ये निर्णय ब्रेन कर रहा है ऐसा नहीं, ये निर्णय सेल्फ कर। तो तमाचा मारने का वो निर्णय ब्रेन को पास हुआ, ब्रेन तमाचा मारने के लिए जो भी आवश्यक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, हाथ को मूव कराना, डायरेक्शन देना, फोर्स देना, ये सारा का सारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करने का काम ब्रेन के माध्यम से हो रहा है, जिसके द्वारा हाथ हमारा मूव करता है और वो प्रॉपर क्रिया एग्जीक्यूट होती है। जहां तक माइंड शब्द की बात है, जो भी ये माइंड शब्द है, ये जब आप प्रयोग कर रहे होते हैं तो कई बार आप ब्रेन के लिए भी प्रयोग कर रहे होते हैं, कई बार सेल्फ के लिए भी प्रयोग कर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि माइंड शब्द किस रियलिटी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करने वाली यूनिट के लिए कर रहे हैं तो आप ब्रेन के लिए कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे यूनिट के लिए कर रहे हैं जो कि अपने आप में दृष्टा है, करता है, भोगता है, निर्णय ले रहा है ये सब, तो फिर आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं। जी, ये बात मैंने कही थी। जी, तो अभी जितनी बात हुई है तो ये बात निष्कर्ष के रूप में हुई है कि केंद्र में तो सेल्फ, मानव के होने के केंद्र में सेल्फ। अब ये सेल्फ को, जीवन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही दिन से हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि हम थोड़ा अपने साथ बैठने का प्रयास करें। तो जैसे ही आप लोगों ने पहला अभ्यास किया, अपने साथ आधा घंटा, 1 घंटा आप बैठे बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप, बिना कंप्यूटर, बिना न्यूज़पेपर, बिना किसी एक्सटर्नल गतिविधियों में इन्वॉल्व हुए, तो बहुत सारे साथी लोग इस बात को कहने लगे कि हमने थोड़े ही देर में बहुत सारे चीजें अपने भीतर चलता हुआ महसूस किया। वो इतनी तेज गति से चल रहा था, इतनी सारी उसमें चीजें चल रही थी कि हम बेचैन हो गए, या परेशान हो गए, या सरदर्द होने लगा, और हम
और हम बाहर फिर अन्य गतिविधियों में अपने को इन्वॉल्व कर लें। और भी इधर कई सारे अभ्यास दिए गए हैं जिसमें आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि आपके भीतर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आप बैठे हैं, बस में बैठे जा रहे हैं कहीं, तो आप देखते हैं आपके भीतर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, बहुत सारे कल्पनाशीलता चल रही होती है। आप अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, अपने भीतर ही बहुत सारे एक्टिविटीज चल रही होती हैं। आप घर में अकेले बैठे हैं तो भी इस बात को ध्यान से कई बार अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि बहुत कुछ अपने भीतर चल रहा है। जैसा एक बाहर संसार है उसी तरह से एक संसार अपने भीतर भी चल रहा है। अगर आप सब लोगों ने अपने भीतर ध्यान दिया होगा तो जो अपने भीतर चल रहा है उसी को कह रहे हैं कल्पनाशीलता। अब ये भी ध्यान देकर देखने की जरूरत है, ये जो अपने भीतर कल्पनाशीलता चल रही है ये कभी कभी चल रही है कि कंटिन्यूअस चल रही है, इसमें निरंतरता है या ये कभी कभी चल रही है। तो ध्यान देते हैं तो ये पता लगता है ये तो निरंतर चल रही है। जब भी हम उस पर ध्यान देते हैं उसको देख पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं देख पाते। बाहर के तरफ ध्यान देते हैं उस पर ध्यान नहीं रहता तो नहीं देख पाते। लेकिन इस बात को मान न ले, आज दिन भर इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि दिन भर ये कल्पनाशीलता हमारी चल रही है नहीं चल रही है, शाम में चल रही है नहीं चल रही है, हम सो रहे हैं उस समय चल रही है नहीं चल रही, सुबह उठ रहे हैं हमको जिस तरह से हाथ पैर को स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, खोलना पड़ता है, थोड़ा शरीर को मूवमेंट देता है, उसी तरह से कल्पनाशीलता को मूवमेंट देना पड़ता है ना, या वो चलती हुई हम पाते हैं चली रही होती है। ये सब अपने भीतर आज ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो ये जो सेल्फ में कल्पनाशीलता चल रही है इसका थोड़ा और गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक से देखें तो ये कल्पनाशीलता जो चल रहा है उसमें तीन चीजें इनिशियली कंबाइंड रूप से चल रही होती है, इच्छा विचार और आशा। तो मैं कुछ हो जाऊं ये मतलब है इच्छा का, वो कैसे होगा उसको जो एक्सपेंड कर रहा हूं ये विचार है ना। तो ऐसा होने में कुछ सहयोग मिल जाए ये आशा है। तो मैं सुखी हो जाऊं ये इच्छा है, मैं सुखी कैसे होऊंगा ये जो एक्सपेंड कर रहा हूं ये विचार है, उसमें मेरे को कुछ सहयोग मिल जाए ये आशा है। तो ऐसे ही देखेंगे तो और सारी चीजों के लिए भी इसे देख पाएंगे कि हमारे भीतर बहुत सारी इच्छाएं हैं। मैं सुखी हो जाऊं, मेरे में सम्मान का भाव हो जाए, मैं अपने में समृद्ध हो जाऊं, मैं विश्वास के भाव से जी सकूं, ये बहुत सारी हमारे भीतर इच्छाएं हैं। फिर इन सभी ये बहुत सारे विचार हैं, तो सुखी हो जाऊं उसके भी बहुत सारे विचार हैं, मैं विश्वास के भाव से जी सकूं इसके लिए भी बहुत सारे विचार हैं, मैं समृद्ध होकर चार आशा, इन सभी को कंबाइंड रूप से तो कल्पनाशीलता कह रहे। बहुत पहले टीवी में एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सब, तो एक कैरेक्टर थे जो टीवी में सीरियल में आधे घंटे के आते थे, और वो अब ऑफिस में एक प्यून के काम को करते थे तो ऑफिस के बाहर वो स्टूल डाल के बैठ जाते थे सीरियल में, शुरू के आधा एक मिनट तो वो प्यून के कैरेक्टर में रहते थे, उसके बाद अपने चेयर पे बैठे बैठे वो अपने कल्पनाशीलता में चले जाते थे और बहुत कुछ वहां चलता हुआ पाता था पाते थे, और वही वो पूरे सीरियल में दिखाता है। सीरियल के एंड में कोई व्यक्ति आके उनको हिला देता था या उनसे इंटरेक्ट करता था, फिर वो बाहर बाहर के वर्ल्ड के साथ फिर इंटरेक्ट करने लगते थे। तो जो भीतर कल्पनाशीलता में चला रहे होते थे वो कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और चल रहा होता है। तो ये सिर्फ मुंगेरी लाल के साथ ही हो रहा है या हम सब लोगों के साथ भी हो रहा है कि बाहर भी एक दुनिया चल रही है भीतर भी दुनिया चल रही है। कई बार हम बाहर की दुनिया पर ध्यान दे रहे होते हैं तो भीतर का नहीं दिख रहा होता, कई बार जब हम बाहर के क्रियाओं से थोड़ा अपने को थोड़ा स्लो करते हैं या कम ध्यान देते हैं तो अपने भीतर बहुत सारा चलता हुआ पाते हैं। ये जो दिखने लगा एक बात
तब फिर हमारे अंदर इस बात की तैयारी बनती है कि इसमें इच्छा क्या है, इसमें विचार क्या है, इसमें आशा क्या है, उसको ठीक से देखा जाए। तो मैं कुछ हो जाऊं, है ना, मेरा भाव क्या है ना, तेरी भागीदारी क्या है, इन सब से जुड़े हुए मुद्दों को जब मैं देखता हूं तो ये इच्छा। और वो पूरा कैसे होगा उसके लिए जो एक्सपेंशन कर रहा हूं वो विचार है। तो एक प्रश्न है चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं कि मैं सुखी हो जाऊं ये इच्छा है या आशा है। तो मैं प्रभाव से सुखी होने का जो प्रयास कर रहा हूं वहां तो आशा के स्तर पर, मैं अपने स्वभाव को समझकर सुखी हो जाऊं, ये जो है स्वभाव वाला ये देखेंगे, तो मैं सुखी होने की जो इच्छा है तो सुखी होने का जो वो है चाहना, वो तो इच्छा के स्तर पर है, लेकिन कई बार जब मैं उसको प्रभाव से सुखी होने का प्रयास करता हूँ तो ये अनुकूल संवेदना मिल जाए, वो मिल जाए, तो वहां पर बहुत सारी आशाएं उससे जुड़ी हुई हमको दिख रहा होता है, लेकिन मैं सुखी हो जाऊं ये तो मेरे अंदर निरंतर बना ही रहता है। तो इसको हम अपने भीतर देखने का काम कर सकते हैं, इस इच्छा को, विचार को, आशा को। हम इस कल्पना संहिता को देखें तो आपके बहुत जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं आप, या कोई भागीदारी कर रहे हैं, अब ये ऑब्जर्व करने का मुद्दा है कि हमारा व्यवहार और कार्य और भागीदारी जो भी बाहर कर रहे हैं, इसका हमारे अंदर चल रही कल्पना संहिता के साथ कोई जुड़ाव है या कोई जुड़ाव नहीं, या कभी कभी जुड़ाव है, कभी कभी जुड़ाव नहीं है। ये तीनों चीजों को हम अपने भीतर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये दिखता है कि ये जो कल्पनाशीलता है, ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ इस कल्पनाशीलता में चल रहा होता है, उसमें से कुछ हिस्सा व्यवहार में निकलता है, कुछ कार्य में निकलता है, लेकिन कल्पनाशीलता में तो जितना व्यवहार कार्य में निकल रहा है उससे बहुत ज्यादा भीतर चल रहा है। तो हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए सम्मान का भाव हमारे में है कि अपमान का भाव है, ये हमारे अंदर ही है, कल्पनाशीलता में ही है, इच्छा के स्तर पर। फिर हम सम्मान के भाव को कैसे व्यक्त करेंगे, ये विचार के स्तर पर है। फिर उससे जुड़ी कुछ आशा है ना, फिर उन सब के कॉम्बिनेशन में मैं बाहर उस व्यक्ति के साथ बिहेवियर में व्यक्त हो रहा हूँ। मैं समृद्ध हो जाऊं ये मेरी इच्छा है, समृद्ध कैसे होऊंगा उसके लिए बहुत सारे विचार हैं, ये काम कर लो, वो काम कर लो, आवश्यकता को पहचान लो, ऐसे बहुत सारे विचार हैं, इससे जुड़ी कुछ आशाएं हैं। और फिर उसके योगफल में मैं बाहर कुछ कार्य कर रहा हूँ। तो अब ध्यान देंगे तो ये देख पाएंगे कि हमारी कल्पनाशीलता में बहुत कुछ चल रहा है और उसमें से कुछ हिस्सा व्यवहार के रूप में और कार्य के रूप में बाहर व्यक्त होता है। जितना व्यक्त होता है उतना तो कल्पनाशीलता में है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चीजें हमारी कल्पनाशीलता में चल रही। तो अब आप ध्यान देंगे तो ये भी देख पाएंगे कि कल्पनाशीलता में बहुत कुछ चल रहा है, पर जब आप निर्णय लेते हैं तो उस कल्पनाशीलता के कुछ भाग को शरीर के माध्यम से बाहर व्यवहार कार्य में व्यक्त करते हैं, और निर्णय नहीं लेते हैं तो आपकी कल्पनाशीलता में चलता रहता है और आप बाहर व्यक्त नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में किसी ने आपके साथ कुछ अपमानजनक व्यवहार कर दिया तो आपके अंदर उसको लेकर विरोध का भाव चलने लगा, ये विरोध का भाव आपने घंटों चलता है, महीनों चलता है, और आप ये निर्णय लिए रहते हैं कि बाहर अभी व्यक्त नहीं करना है, झंझट ज्यादा बढ़ सकता है, ये आपने निर्णय बना रखा है अपनी कल्पनाशीलता में। तो विरोध खत्म हो गया उस निर्णय से, ऐसा नहीं, आपकी कल्पनाशीलता में विरोध चलता ही रहता है, बहुत तरह के आप विचार करते ही रहते हैं कि जिस दिन भी कहूंगा ये कहूंगा वो कहूंगा, ऐसे सुनाऊंगा वैसे सुनाऊंगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये सर पे चढ़ा जा रहा है, ऐसा बहुत सारा कल्पनाशीलता हमारे भीतर चलता ही रहता है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि अभी बाहर व्यवहार में नहीं व्यक्त करना, लेकिन वो चल ही रहा होता है हमारे भीतर। और कभी निर्णय ले लेते हैं तो व्यक्त हो जाता है, कभी वो निर्णय हम होश पूर्वक लेते हैं, कभी बेहोशी में भी ले लेते हैं। तो जब बेहोशी में ले लेते हैं तो हम सडनली किसी पे चिल्ला देते हैं, चीख देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हमको नहीं बोलना चाहिए था, तो ये बात नहीं कहना था, बेहोशी में एक निर्णय लेकर चले। तो धीरे धीरे इस बात को और अपने भीतर ऑब्जर्व करने का प्रयास करें कि हमारी कल्पनाशीलता में जितना भी चल रहा है
उसका हमारे व्यवहार कार्य के साथ क्या कनेक्शन है। प्रस्ताव रूप में मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हमारी कल्पनाशीलता में चल रही हैं, हम निर्णय पूर्वक उसमें से कुछ हिस्सा व्यवहार और कार्य में व्यक्त करते हैं और बाकी हमारी कल्पनाशीलता में चलता ही रहता है। बट प्रश्न यह है कि इसको अपने भीतर ऑब्जर्व करके देखें तो, और मतलब प्रश्न उसमें यह है कि जब आप उसको अपने भीतर ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि आप निर्णय पूर्वक ही उसको व्यवहार कार्य में व्यक्त कर रहे हैं या बिना आपके निर्णय के वो व्यवहार कार्य में व्यक्त हो जाए। तो ध्यान देते हैं तो ये पाएंगे कि निर्णय ही शामिल है आपका, कई बार वो निर्णय आप होश पूर्वक लेते हैं, कई बार बेहोशी में ले लेते हैं तो पता नहीं चलता। अब थोड़ा और इस कल्पनाशीलता का अध्ययन करते हैं कि हमारे भीतर ये जो कल्पनाशीलता चल रही है इसका स्थिति क्या है। तो आप ध्यान से देखिए अपने भीतर इस कल्पनाशीलता को, आज बैठकर आधा घंटा 1 घंटा तो ये ऑब्जर्व करके कोशिश करिए कि ये जो कल्पनाशीलता है ये आप पे व्यवस्थित चल रही है या एकदम जिगजैग चल रही है, कहीं शुरू हो रही कहीं जा रही है, कुछ निष्कर्ष नहीं बन रहा और बहुत सारी चीजें जम्बल्ड अप होके चल रही है, एकदम बाढ़ सी आई हुई है इस कल्पनाशीलता, या उसमें कोई व्यवस्था है ऑर्गेनाइज है कि कोई एक इच्छा आई उसके लिए फिर आपने विचार किया, फिर उसमें कुछ आशाओं को पहचाना और फिर होश पूर्वक कुछ निर्णय बना, या कोई एक इच्छा आई उस पर विचार चलने लगा, उस विचार से कोई और विचार आ गया, वहां से कोई और विचार आ गया, वहां से कोई और विचार आ गया, थोड़ी देर बाद आप खुद ही खो गए और आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपने इच्छा क्या किया था, विचार क्या कर रहे थे, करना कहाँ से शुरू करना क्या था और कहाँ चले गए, आपकी क्या स्थिति है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चले। यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के लिए इस अभ्यास को करेंगे। हम 5 मिनट साइलेंटली अपने साथ बैठेंगे, किसी बाहरी एक्टिविटी को किए बगैर 5 से 7 मिनट लगभग बैठेंगे और अपने भीतर चल रहे इस कल्पनाशीलता की स्थिति को ऑब्जर्व करें कि वो व्यवस्थित चल रहा है या उसमें बहुत सारा जिगजैग है, बहुत सारा हलचल है, क्या स्थिति है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। फिर जो लोग भी उस पर एक दो लोग शेयरिंग करना चाहेंगे उनकी शेयरिंग को सुनेंगे, फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले 3 4 मिनट 5 मिनट में चुप रहूंगा, आपसे अपेक्षा है कि आप अगर स्थिर होकर बैठ सके तो अच्छा है, अगर नहीं बैठ सकते तो भी अपने पर ध्यान दें और देखें आपकी कल्पनाशीलता की क्या स्थिति है, वो व्यवस्थित चल रही है कि बहुत सारा उसमें जिगजैग जी। तो अगले 5 मिनट हम लोग अपने को ऑब्जर्व करें।
जी, तो हम लोग पिछले 5 मिनट अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसकी क्या स्थिति है, उसमें कितनी व्यवस्था है और कितनी उसमें अव्यवस्था है। आप लोगों ने उसको अपने भीतर ऑब्जर्व किया होगा। उस पर जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, अगर आप में से कुछ दो चार लोग उसको शेयर करें तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। तो जो लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है वो अपना रेज करके अपना ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। ये मैं ये कह नमस्ते। रही हूँ कि मेरे अंदर कल्पनाशीलता हमेशा हर वक्त चलती रहती है, और ऐसे कि एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, वो लगातार ही आता रहता है, मतलब सारा दिन ये होता है। लेकिन अभी जैसे आंख बंद करके ऑब्जर्व करने की कोशिश किया तो कोई विचार नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विचार नहीं, शांति है। ऐसा नहीं, ऐसा कि जैसे फोर्सफुली रोक दिया हो, मतलब रोक दिया गया हो, ऐसा लग रहा है। और जी जबकि दिन भर, और एक बात और कि दिन भर जो विचार आ रहे हैं, जैसे अब कोई घर से जा रहा है तो निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं कि घर से निकल रहा है, जा रहा है, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई कहीं गया हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये वाला, ये चीज मुझे ज्यादा आती है। मतलब निगेटिव थॉट्स जो है वो ज्यादा आते हैं, और फिर दिन भर एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, ये चलता ही रहता है भैया। जी तो जी इसको कैसे व्यवस्थित करूं अपने विचारों को, या ये जो क्रम है तुरंत एक विचार से जंप करती हूँ दूसरे पे, तो इसको क्या कंट्रोल करना है या कैसे करूं कि व्यवस्थित हो जाए सब। और पता है, और इसी के कारण ना मैं भूलती भी बहुत हूँ चीजों को, कि गाड़ी की चाबी निकाली कि नहीं निकाली, फिर पर्स में देखूंगी कि हाँ रखी है तो हाँ ठीक है, और नहीं रखी है या इधर उधर हो गई तो फिर गाड़ी तक जाओ तो गाड़ी में चाबी नहीं लगी, अरे कोई गाड़ी तो नहीं ले गया हो, ऐसा वैसा सोचते सोचते आए, फिर देखे गाड़ी की चाबी नहीं लगी, फिर पर्स में देखे तो रखी थी कहीं पर, डली हुई थी। तो मतलब इस सब में ना बहुत सारी जो है मानसिक तनाव भी होता है, जी जी तो यही कहना चाह रही थी, जी बात कैसे करूं मैं। है। हम लोग उस पर स्टेप बाय स्टेप काम उसी पर अब आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले बात तो ये कि हमने अपने पर ध्यान दिया, पहले से ही ध्यान दे रहे थे, तो पहले से ही बहुत सारा हमारी कल्पनाशीलता की स्थिति का हमको एक ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमको बहुत सारा हड़बड़ी और बहुत सारा अव्यवस्था दिखाई दे रही। तो पहला स्टेप पे तो आप पहले से ही ध्यान दे ही रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग तो चर्चा बढ़ा रहे हैं सेल्फ के बारे, कुछ बेसिक चर्चाओं को पूरा कर लेंगे, तो एक अभ्यास शुरू करेंगे। आई होप आप पिछले बैच में की होंगी सेल्फ को सेल्फ जी से देखने का, जो 7 स्टेप का अभ्यास है, जी भैया जी आपने किया था पिछले बैच में। जी पिछले बैच में जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत सीरियसली नहीं अच्छा कर पाई थी क्योंकि मेरे हाँ एग्जाम, मतलब एग्जाम और वैल्यूएशन जी सबका टाइम था उस टाइम। जी जी तो इस बार तो गर्मी का समय है, तो इस बार हम जी लोग जी उसको अगर ठीक से करेंगे तो देखेंगे वो अभ्यास इस चीज को व्यवस्थित करने में काफी सहयोगी होता है। और कंट्रोल तो करने जाएंगे तो बहुत दबाव आता है, कंट्रोल जी जी करना तो नहीं, कंट्रोल करना तो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जस बल्कि उसको समझ कर वो व्यवस्थित कैसे होगा, है ना, उस पर थोड़ी बात तो मैं आज करूंगा अभी, है ना, लेकिन जी जिसका अभ्यास हम लोग लंबा करें, है ना, जी लगभग भगवान की चलता हूँ महीने भर तो इसका अभ्यास रोज करेंगे 1-1 घंटा इसी बात को व्यवस्थित करने के लिए। तो कंट्रोल करना तो उपाय नहीं है, बल्कि उसको समझ लेना और समझ के उसको व्यवस्थित कर लेना, ये अभ्यास करेंगे, उसके माध्यम से ये होगा, है ना। जी और भैया जी आज आप 5 मिनट बैठी तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई विशेष चीज अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, है ना, एक ब्लैंक सा हो जी जाता है, तो हम छोड़ दें जी उसको एकदम रिलैक्स। जो भी बाहर है ना आवाजें आ रही हैं या और जो चीजें हो रही हैं उस पर हम, है ना, उसको सुनते हैं, एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में खुद ही जी दिखने लगता है कि जो कुछ अभी चल रहा है बाहर की आवाजें और ये सब, उससे कहीं ज्यादा अपने भीतर चल रहा है और ध्यान जाने लग जाता है। तो उस समय कोई बहुत विशेष चीज ढूंढने की कोशिश जब करते हैं तो कई बार हमको ब्लैंक सी स्थिति बन जाती है। इसको आगे और ठीक से चर्चा करेंगे दीदी इस पर। जी भैया, पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से मैं
स्वयं की कल्पनाशीलता या स्वयं को ही व्यवस्थित करने के लिए प्रयासरत हूँ। स्व मूल्यांकन में इतना तो अवश्य पाती हूँ कि 100% तो हुआ नहीं या काम हुआ पूरा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ उपलब्धि के तौर पर इतना जरूर हुआ, पिछले 3 दशकों से साइकोसोमेटिक डिजीज की मेडिसिन खा रही थी या सफर थी, उन मेडिसिन को मैं पिछले 2 महीने पहले डिसकंटिन्यू करने का मैंने निर्णय लिया और सब कुछ सही चल रहा। आज का ऑब्जर्व करने के लिए एक्चुअली मैंने अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ध्यान मुद्रा में मैं बैठ गई। मुझे नहीं पता ये सही तरीका है या नहीं खुद को ऑब्जर्व करने का, बट मैंने आज इसी पोज का सहारा लिया भाई, और बहुत ही सहज और सुखद अनुभूति रही। जैसे मतलब हर चक्रा के पास एक सुखद अनुभूति हो, मैं उसी मुद्रा में मैं कंटिन्यू करना चाहती थी। मतलब अच्छा लगा, बस इतना ही और कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू। जी, तो धीरे धीरे हम सेल्फ को जितना व्यवस्थित करते हैं तो ध्यान जाता है कि जो सेल्फ बेचैनी के कारण, डिसहार्मनी के कारण, जो शरीर के साथ अननेसेसरी इतने ट्रांजेक्शन्स करता रहता है, उसका प्रभाव शरीर के ऑर्गन्स पे भी जाता है और बहुत तरह के शरीर में अव्यवस्थाएं होने लगती हैं। धीरे धीरे सेल्फ पर ध्यान जाता है, सेल्फ में चली हुई क्रियाओं पर ध्यान जाता है, सेल्फ व्यवस्थित हो पाता है तो अननेसेसरी हम बॉडी के ऑर्गन्स के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम रोक पाते हैं और सेल्फ को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो शरीर पर भी बहुत सारा उसका जो दुष्प्रभाव जा रहा होता है वो ठीक हो पाता है। प्रिया दीदी, अभी आप चाहें जिस भी क्वेश्चन में बैठकर इस अभ्यास को करें, अभी वो क्वेश्चन का एक महत्व तो है ही, मुख्य मुद्दा तो अपने सेल्फ में चल रही क्रियाओं को ध्यान देने का है जिसको आप कर ही रही हैं। आगे और डिटेल में हम लोग बात करें। आज जो ऑब्जर्वेशन मेरा, पहले ही मैंने निर्णय लिया कि आज मेरे को कोई भी विचार नहीं लेने और रिलैक्स में रहना है। तो 5 मिनट के लिए जब मैं रिलैक्स में थी, जैसे दीदी ने पहले बताया कि मैं बहुत ही, मेरे को अच्छा लगा और फीलिंग अच्छी आई। तो जब मैं खुद अपना निर्णय लेकर जब उस पोजीशन में बैठी हूँ और विचारों को अलग से मैंने रखा और आने नहीं दिया, फोर्सफुली नहीं आने दिया, पहले ही निर्णय लेके जब मैं बैठी हूँ तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं आराम अवस्था में हूँ। दीदी, कोई विचार नहीं करना है, ये भी एक विचार ही है। विचार नहीं तो करना, ये भी विचार है। जी, तो अच्छा, एक विचार के साथ तो आप हैं ही, लेकिन अभी इस अभ्यास में ये नहीं कहा गया था कि हम अपने विचारों को रोकेंगे, बल्कि ये कहा गया था कि जो भी विचार कल्पनाशीलता चल रही है उस पर ध्यान देंगे कि उसमें चल क्या रहा है ना। तो जो स्थिति है एक्चुअल उस पर ध्यान जाएगा, फिर हम उसको किस ढंग से व्यवस्थित कर सकें कि निरंतर उसमें एक हारमोनी, एक अवस्था बनी रहे, तो उस पर आगे हम उसको काम कर पाएंगे। तो ये हमारा आराम जो है, हमारा सुख जो है, वो निरंतरता से सुनिश्चित हो सकता है। बट इस पर तो आगे बात करेंगे, आज कभी और दिन में इस अभ्यास को एक बार करिएगा, लेकिन इस बार आप उसको अपने तरफ से फोर्सफुली, ये जो रोकने का हम प्रयास करते हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सर दर्द होने लगेगा, थोड़ी देर में आप बहुत तनाव में आ जाएंगे। सर तनाव में तो नहीं, पर जब मैंने निर्णय ही ले लिया ना पहले कि हाँ अब मेरे को आराम अवस्था में रहना है, तो वो जो अवस्था बनी वो हार्मनी में थी। तो फोर्सफुली का जी, कोई यहाँ पर फोर्स नहीं मैंने करा। और जब मैंने तो ये अगर अपने आपने ये को, निर्णय ले लिया है कि जो भी विचार चल रहे हैं हमको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधे सीधे हाँ देखना है, तो वो एक स्थिति है। आपने ये विचार कर लिया कि अब हमको कोई विचार ही नहीं करना है, जो विचार आ रहा हाँ है उसको रोकना है, उसमें फिर बहुत दबाव आता है। तो क्या आपने निर्णय लिया और क्या कर रहे थे वो तो आप ही ठीक से ऑब्जर्व करके बता पाएंगे है ना, या अपने में देख पाएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि जब भी हमने ये निर्णय बनाया कि जो चल रहा है हमको सिर्फ उसको देखना है, उसको बहुत बार बार उसमें इंटरव्यू नहीं करना है, तो एक स्थिति बनती है। पर अगर हम ये निर्णय लेते हैं कि जो चल रहा है उसको हमें रोक लेना है, कुछ चलने नहीं देना है, तो एक दूसरी स्थिति बनती है।
तो आप अपने में देखिएगा कौन सी वाली स्थिति आप में बन गई जब आप दोबारा इस अभ्यास को करिएगा। तो जी जी धन्यवाद सर। जी, तो अभी हम लोग कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहे थे कि उसमें चल क्या रहा। आज दिन में और कभी समय निकाल कर आप बैठे और देखें उस कल्पनाशीलता में आधा घंटा बैठ कर कि क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, वो सब व्यवस्थित है या डिसहारमनी में है, हारमनी में है, या अगर दोनों स्थिति है तो कितना परसेंट हारमनी है, कितना परसेंट डिसहारमनी है। ये दोनों को ही एक तरह से देखने की कोशिश करिएगा, है ना, चल क्या रहा है और जो चल रहा है उससे आप हारमनी में है कि डिसहारमनी, कितने परसेंट हारमनी में है, कितने परसेंट डिसहारमनी में है, उसका भी एक अनुमान लगाइएगा। कल उस पर हम लोग आप लोगों के ऑब्जर्वेशन को सुने। अभी थोड़ी सी बात मैं रख देता हूँ कि जो कल्पनाशीलता है उसके क्या क्या संभावित सोर्स है। तो एक संभावित सोर्स है जो बहुत आसानी से हम देख पाते हैं, वो है संवेदना। तो आप कहीं दुकान पे जा, कहीं मार्केट पे जा रहे हैं, आपको कहीं से समोसा बनने की गंध आई, तो ये गंध जो आई वो एक संवेदना है। तो आपको अपनी कल्पनाशीलता में संवेदना में कल्पनाशीलता में समोसे दिखने लगते हैं, समोसा खाने की है ना इच्छा होने लगती है, उसका स्वाद याद आने लगता है। फिर आप अंदर ही अंदर निर्णय बनाने लगते हैं कि अभी चलता हूँ, जो काम है वो निपटा के आऊंगा, समोसे खरीद के घर लेके जाऊं। अब आप देखेंगे तो ये समोसे के बारे जितना भी कल्पनाशीलता चला वो संवेदना से शुरू हुआ, संवेदना उसका स्रोत था, गंध का आपने गंध आई आपके आप तक, है ना, और उससे आपके भीतर ये सब चल गया। ऐसे आप कहीं सड़क पे खड़े हैं, कोई चमचमाती हुई कार आपके सामने से गुजर जाती है, सफेद कलर की चमचमाती हुई कोई कार निकल गई, तो आपको एक सफेद कलर की चमचमाती हुई कार की संवेदना मिली। अब आपकी कल्पनाशीलता उस पर चलने लग जाती है कि बस सैलरी दो बार और बढ़ जाए, इतना पैसा बचा लिया हो, इतना लोन लूंगा, कार तो यही खरीदूंगा, किसी का और सहयोग मिल जाए। अब ये बहुत सारा उस कार को लेकर कल्पनाशीलता चलने लगती है। तो आप अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देंगे और कहाँ से वो आ रहा है उस पर ध्यान देंगे तो एक प्रमुख स्रोत आपको संवेदना दिखाई देता है। आप टीवी बैठ के देख रहे हैं, कोई ऐड आया है ना, उस ऐड पर कपड़े का ऐड आया, उस कपड़े का डिजाइन आपको, उसका कलर आपको, है ना, का आपने संवेदना के माध्यम से इनपुट लिया और वो आपको आस्वादन में अच्छा लगा। अब आपकी कल्पनाशीलता में चलने लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड पे जब मैं मार्केट जाऊंगा तो इसी तरह का शर्ट ढूंढूंगा लेके आऊंगा, इसी तरह की पैंट ढूंढूंगा लेके आऊंगा, है ना। तो एक कल्पनाशीलता का स्रोत ये संवेदना है। एक दूसरा स्रोत है मान्यता। आपकी मान्यताएं कैसे बनती हैं और वो कैसे आपकी कल्पनाशीलता पर काम करती हैं, धीरे धीरे ध्यान देंगे तो दिखेगा। तो 4 बार टीवी में कोई ऐड दिखाया है ना कि कोई एक विशेष तरह का प्रोडक्ट है, उसको जब व्यक्ति यूज कर रहा है तो बाकी सब लोग उसके तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं और बहुत सम्मान कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक मान्यता बन जाती है कि लोगों का ध्यान पाना है, सम्मान पाना है तो ये प्रोडक्ट जरूरी है। किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में आप गए, वहां कोई बड़ी गाड़ी से, पर्टिकुलर गाड़ी से कोई व्यक्ति उतरा और बहुत सारे लोग उस पर ध्यान देने लग गए, उससे बात करने लगे, उसके आगे पीछे घूमने लग गए, तो एक मान्यता बन गई कि ये बड़ी गाड़ी से सम्मान होता है। तो धीरे धीरे ध्यान देंगे तो पता लगता है किस तरह से मान्यताएं हमारे भीतर रोज बन रही है, और फिर ये पता लगता है कि वो मान्यताएं भी हमारी कल्पनाशीलता का स्रोत। इसी समय हम कहीं घर में ही बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, अभी तो हमने कार देखी भी नहीं, ना कार हमारे सामने से गुजरी भी नहीं, वो मान्यता जो पहले से हमारे भीतर बनी बैठी है कि कार से सम्मान होगा, इस प्रोडक्ट से ध्यान पाएंगे, इस प्रोडक्ट से सुखी हो जाएंगे, वो मान्यता एक्टिवेट हो जाती है और हमारी कल्पनाशीलता में वो सारी चीजें चलने लगती है। एक दूसरा सोर्स है मान्यता, और एक तीसरा सोर्स भी है सहज स्वीकृति। तो हमने देखा कि हमको अपने परिवार के साथ अक्सर एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, हम सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह जा सके तो उसके लिए कार खरीद लेना चाहिए। तो वही कार खरीदने का आपके अंदर सहज स्वीकृति से भी आ सकता है, अपनी आवश्यकता को पहचान।
अब वो सहज स्वीकृति से आ रहा है कि मान्यता से आ रहा है कि संवेदना से आ रहा है, इसको पहचानेंगे कैसे? अगर वो संवेदना से आ रहा है तो वही कार जब दूसरे कलर की दिखेगी, दूसरे डिजाइन की दिखेगी, तो आपके अंदर कल्पनाशीलता में वो कार लेने का चलने लगेगा, अगर वो संवेदना से आया है तो। लेकिन अगर मान्यता से आया है तो उसमें भी तक से भी लोगों को लगता था सम्मान पाया जा सकता है, एक समय 40 लाख की कार से लगता था, अभी तो करोड़ों रुपए की कार से भी लगता है। तो आप देखेंगे तो आपकी अलग अलग मॉडल से सम्मान मिलेगा, ऐसा वो मान्यता बदलता जाता है। मान्यता बदलता है तो कल्पनाशीलता भी बदलती चली जाती है। लेकिन सहज स्वीकृति से अगर वही कार खरीदने का आपकी कल्पनाशीलता में चल, तो जब तक वो कार आपकी इस आवश्यकता को पूरा करता रहता है, आपको दूसरा कार लेने के बारे में कल्पनाशीलता नहीं चलती। या कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे डिजाइन का कार, दूसरे मॉडल का कार, दूसरे ज्यादा पैसे की कार आपके अगल बगल से लेके गुजरता है, उससे आपकी कल्पनाशीलता में कोई भी हलचल नहीं मचती, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को लिए हैं वो आपकी अपनी आवश्यकता के आधार पर है और वो उसको पूरा कर पा रहे। जिस दिन वो उसको पूरा नहीं कर पाती, उस दिन अब आप अगले उसको रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह पर लाने के बारे में अपनी कल्पनाशीलता को चलाते। तो आप ध्यान देंगे तो आपकी कल्पनाशीलता संवेदना से चल रही है कि मान्यता से चल रही है कि सहज स्वीकृति से आ रही है, ये आप अपने भीतर देख पाओ। आज दिन भर हम अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे, उसके साथ हम कितना परसेंट आराम में है, कितना परसेंट बेचैन है, उसको भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और हमारी कल्पनाशीलता का स्रोत क्या है, संवेदना, मान्यता या सहज स्वीकृति, इसको भी पहचानने का प्रयास करेंगे अपने भीतर। उसके हमने कुछ इंडिकेटर आज डिस्कस किए हैं, कल इस पर और डिटेल बात करेंगे।